हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जीके की स्टैटिक सीरीज और ये है इसका पार्ट नंबर 29। तो इसमें मैं इंक्लूड करूँगी इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलिनियस के क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की। जो स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट बुक लेके आया है आपके लिए 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। ये जीके का क्वेश्चन बैंक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। इसके कुछ की फीचर्स हैं कि इसमें सिलेक्टेड 4000 क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये भी यहाँ पर बताया गया है, साथ ही में आंसर की और फ्री वीडियो लेक्चर भी इसमें प्रोवाइडेड हैं। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, इनमें से किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया था। टाइम है 12 सेकंड एंड दी ऑप्शन आर 61वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 71वां या फिर 73वां। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है 73वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। तो अनुच्छेद 280 ये किससे रिलेटेड है, आपसे ये पूछा है। तो ध्यान रखना, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, ये जो वित्त आयोग है, वो रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 280 यानी कि आर्टिकल नंबर 280 सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में डैश होते हैं। टाइम है 10 सेकंड एंड दी ऑप्शन आर लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसमें जो है वो सब इंक्लूड होते हैं, राष्ट्रपति भी, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है। आपको बताना है कि आर्टिकल 214 किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल 214 है वो रिलेटेड है राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायालयों से रिलेटेड। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता में संबंधित प्रावधान, ये पंक्तियाँ भारत के संविधान की किस अनुसूची से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूची यानी कि 12 शेड्यूल हैं, जिसमें कि जो दल बदल का कानून है वो है 10वें यानी कि 10वीं अनुसूची में। तो दल बदल को 10 से आप याद कर सकते हो। फिर है, भारत में न्यायिक प्रणाली में अदालतों का एक पदानुक्रम शामिल है जिसमें सबसे ऊपर कौन आता है। तो सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो वो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के लिए दिया गया है। तो ये बहुत सिंपल है, आर्टिकल नंबर 40, जो कि रिलेटेड है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड। फिर है, इनमें से कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। टाइम है आपका 12 सेकंड एंड दी ऑप्शन आर चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, आंध्र, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली, जिसको बोलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो मुख्यालय है वो स्थित है करनाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो अभी इसका जो आंसर है वो होना चाहिए क्या, अजीत डोभाल, सॉरी ऑप्शन में ये अवेलेबल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजीत डोभाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अजीत डोभाल इसका सही आंसर होगा। फिर है, जनवरी 2019 में भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी थी। तो उच्चतम न्यायालयों की अगर हम बात करें तो वो अभी भी कितने हैं, 25 हैं। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है। टाइम है 11 सेकंड एंड दी ऑप्शन आर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी स्टैटिक जीके, और उसमें भी पॉलिटी का पोर्शन हमने कवर किया है। होपफुल वीडियो की आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।